हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो क्लास 12 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण जो 6 टॉपिक हैं उनको एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, जैसे कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में ऐड किए गए हैं। 2024 से पहले जो है ऐसा नहीं था, 2023 में पहले कुछ और पूछा जाता था, लेकिन अब जो है 2024 में आपको एक नया टॉपिक पूछा जाएगा। तो कौन सा वो टॉपिक है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट है 100 में 95 प्लस अचीव करना, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 100 में 95 प्लस अचीव करना हिंदी में, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। और वीडियो के एंड में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, जिसे आप लोग फॉलो करके हिंदी में 95 प्लस अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखेंगे हम लोग सभी इम्पोर्टेंट मुहावरे एवं लोकोक्तियां के, एक एक टॉपिक के हम आपको 3-3 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के सभी टॉपिक्स को पहले देखिए कि आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स को देखने वाले हैं। अब अगला देखिए, अगला टॉपिक है आपका अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। तो यही टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐड किया गया है। इससे पहले जो है आपके बोर्ड एग्जाम में अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश नहीं पूछा जाता था। इससे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में संधि विच्छेद और विभक्ति एवं वचन पूछा जाता था। अब आपके बोर्ड एग्जाम में उसको हटा करके अपठित गद्यांश को इंक्लूड कर दिया गया है, इसको ऐड कर दिया गया है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो कैसे पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा, सब कुछ डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है शब्दयुग्म, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला है आपका शब्द अर्थ, शब्द अर्थ देखेंगे, एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने होते हैं, तो इसके भी हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगला देखिए, अगला है आपका अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग वाक्य संशोधन, ठीक है, यानी कि करेक्शन, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना करेक्शन, वही यहाँ पर भी है वाक्य संशोधन, तो इसको भी देखेंगे। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 टॉपिक देखेंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अपठित पद्यांश एवं गद्यांश। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश या फिर गद्यांश ही आएगा, 2 में से 1 आ सकता है, दोनों नहीं आएगा, या तो गद्यांश आएगा या फिर पद्यांश आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला शब्दयुग्म देखेंगे, उसके बाद शब्द अर्थ देखेंगे, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द देखेंगे, उसके बाद वाक्य संशोधन देखेंगे। तो चलिए सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं, कोल्हू का बैल बनना, तो ऐसे ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका आपको अर्थ लिखना होगा और उसका वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो कैसे करेंगे, चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, 2-3 प्रश्न वहाँ पे आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 या फिर 1 ही करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, कोल्हू का बैल बनने का अर्थ होता है दिन रात मेहनत करना, तो यहाँ पे हो जाएगा दिन रात इस तरीके से आप इसका अर्थ लिखेंगे, दिन रात मेहनत करना। उसके बाद इसको जो है आप लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे। कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे आप कह सकते हैं कि सोहन हमेशा कोल्हू के बैल की तरह काम करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोहन हमेशा कोल्हू के
करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोहन हमेशा कोल्हू के बैल की तरह काम करता है। तो इस तरीके से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे मैंने सोहन लिखा है, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, श्याम, राम, जो भी आप नाम चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बस यहाँ पर ये शब्द जो है आना चाहिए, जो यहाँ पर कहा जा रहा है इसी को आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होगा, इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। गागर में सागर भरने का अर्थ है कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। और इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे कम शब्दों में बड़ी बात कह देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, एक अच्छी हैंडराइटिंग में हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे हो जाएगा कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, अगर आप लोग ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो इसे आप लोग चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न समझिए, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अगला है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है परास्त करना, ठीक है, यानी कि किसी को हराना। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है, परास्त करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परास्त करना। और इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि भारत ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिया। तो इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भारत ने विश्व कप क्रिकेट पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, ठीक है, छक्के छुड़ा दिए। तो इस तरीके से आप इसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि भारत ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो इस तरीके से आप इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट मुहावरे को बताया है बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरीके से आपको मुहावरे को करना होता है। आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दिए जाएंगे, उसका आपको अर्थ लिखना होगा और उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो बहुत ही ईजी है, आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश। तो यही टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ऐड किया गया है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा या फिर पद्यांश दिया जाएगा, यानी कि आपको बिना पढ़ा हुआ गद्यांश या फिर पद्यांश दिया जाएगा, जो आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे ऐसा आपको गद्यांश और पद्यांश दिया जाएगा। तो अब आप लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, वहां पे आपको जो गद्यांश दिया जाएगा उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो आपको उस गद्यांश को पढ़ करके उन सभी क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। बहुत ही इजी है, ध्यान से वीडियो को समझते हुए चलिए, एक एक डाउट्स आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही गद्यांश दिया गया है तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी गद्यांश देखने को मिलेगा। उसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे, फिर उस क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए,
अपनी ही भाषा के अध्ययन पर विशेष जोर देने के कारण कुछ लोग समझते हैं कि मैं विदेशी भाषाएं सीखने के विरुद्ध हूँ। मेरा यह मतलब कदापि नहीं है कि विदेशी भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए। अपनी आवश्यकता, रुचि की अनुकूलता, अध्ययन के अवसर और अन्य आवश्यक कार्यों में आवश्यक होने पर हमें एक नहीं अनेक भाषाएं सीखकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। द्वेष किसी भाषा से नहीं करना चाहिए। ज्ञान किसी भी भाषा में मिलता हो तो उसे ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। विदेशी भाषा सीखने के बारे में संकीर्ण मनोवृत्ति और संकुचित दृष्टिकोण रखने वाली जातियाँ कुएं में मेंढक के समान अल्पज्ञ रह जाती हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनको भी पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैंने उसका उत्तर भी साथ में ही लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी भाषा से द्वेष क्यों नहीं करना चाहिए। तो किसी भाषा से द्वेष क्यों नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा, द्वेष किसी भाषा से नहीं करना चाहिए। ज्ञान किसी भी भाषा में मिलता हो तो उसे ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मैंने इसी में से लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द्वेष किसी भी भाषा से नहीं करना चाहिए, उसे सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ पर लिख दिया है। मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है, अगर मैं लिखती तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लग सकता था, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख दिया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको उसी गद्यांश में से ही इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, संकीर्ण मनोवृत्ति वालों की उपमा किससे दी गई है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संकीर्ण मनोवृत्ति वालों की उपमा जो है वो किससे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, संकीर्ण मनोवृत्ति वालों की उपमा कुएं में मेंढक के समान दी गई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, संकीर्ण मनोवृत्ति वालों की जो उपमा है वह किससे दी गई है, कुएं में मेंढक के समान दी गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने तरीके से लिख देंगे, मैंने लिख दिया है, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग इसे ध्यान से समझते हुए चलिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे आपको गद्यांश में से एक उचित शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, अनेक भाषाएं सीखकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप उसमें से कोई भी जो हाईलाइट पॉइंट है उसको लिख सकते हैं। एक उचित शीर्षक ही तो लिखना है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप उसी में से लिख देंगे, मैंने उसी में से लिखा है, अनेक भाषाएं सीखकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सी जातियां कुएं में मेंढक के समान अल्पज्ञ रह जाती हैं। तो उसी गद्यांश में से मैंने लिखा है, यहाँ पे उत्तर देखिए, संकुचित दृष्टिकोण रखने वाली जातियां कुएं में मेंढक के समान अल्पज्ञ रह जाती हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, मैंने यहाँ से लिखा है, देखिए यहाँ पे, संकुचित दृष्टिकोण रखने वाली जातियां कुएं में मेंढक के समान अल्पज्ञ रह जाती हैं। तो इस तरीके से आपको उठा करके इसमें लिख देना है, बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसका अगला प्रश्न यानी कि पांचवा क्वेश्चन है, आपके मत से विदेशी भाषा सीखनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके मत से विदेशी भाषा जो है वो सीखनी चाहिए या नहीं। तो इसका भी उत्तर आपको उसी गद्यांश में से मिल जाएगा। मैंने लिखा है, विदेशी भाषाएं अवश्य सीखनी चाहिए, हमें एक नहीं अनेक भाषाएं सीख कर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी गद्यांश में से देख करके लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन जो है गद्यांश के कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक एक नंबर के होंगे। तो यहाँ पे ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ऐसे ही आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन जो है 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी आपके बोर्ड ने जो है मॉडल पेपर जारी नहीं किया है, जिस वजह से अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये तो कन्फर्म है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को आसानी से समझ लिए होंगे। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका शब्द युग्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है, अंश और अंश। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
क है अंकुर और हिस्सा, ख है हिस्सा और अंकुर, ग है कंघा और हिस्सा, घ है हिस्सा और कंघा। तो इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करके आपको लिखना है, जिसके लिए आपको एक नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको दो करना होता है तो एक एक नंबर के लिए होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो अंश दिया गया है इसका अर्थ होता है कंघा, और ये जो अंश है इसका अर्थ होता है हिस्सा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कंघा और हिस्सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंघा और हिस्सा, ये ग नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये भी गलती कर सकते हैं कि इसका अर्थ तो कंघा और हिस्सा ही होता है, तो बहुत से लोग जो है इसको टिक करके चले आएंगे। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पहले दिया गया है इसका अर्थ भी पहले होगा, और ये जो बाद में दिया गया है इसका अर्थ भी बाद में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका अर्थ होता है कंघा, तो यहाँ पे कंघा पहले है, और उसके बाद इसका अर्थ होता है हिस्सा, तो इसका अर्थ जो है बाद में है। तो इसी तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, इधर का उधर टिक करके नहीं चले आना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नियत और नियति, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं, क है निश्चित और भाग्य, क है आदत और भाग्य, ग है प्रकृति और गणना, घ है आदत और गणना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपको चार विकल्प दिए गए हैं। नियत का मतलब होता है निश्चित, और नियति का मतलब होता है भाग्य। तो निश्चित और भाग्य जो है ये आपका क नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको चयन करना है सही उत्तर का, जब आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अली और आली। अली और आली, इसके लिए आपको चार विकल्प दिए गए हैं, क है भौरा और सखी, ख है भौरा और कली, ग है कली और भौरा, घ है सखी और भौरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका भौरा और सखी, क्योंकि अली मतलब होता है भौरा और आली मतलब होता है सखी। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है घ वाले पर टिक करके चले आएंगे, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया, जो पहले है उसका अर्थ भी पहले होगा, तो इसका मतलब होता है भौरा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसका मतलब होता है साखी, तो ये जो है बाद में हो जाएगा। तो इस तरीके से भौरा और साखी, ये आपको क नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गलती से आप लोग इधर का उधर टिक करके मत चले आइएगा, ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका उत्तर देना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से समझते हुए, आराम से समझते हुए चलिए, बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका चौथा टॉपिक है, यानी कि शब्द अर्थ। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ही शब्द के दो अर्थ लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इनका अर्थ बताने वाली हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है घर, घर का क्या अर्थ होगा, यानी कि घर को और हम किन किन नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घर को हम किस नाम से जानते हैं, तो घर को हम निवास के नाम से जानते हैं। ठीक है, निवास स्थान, निवास स्थान के नाम से जानते हैं, और किन नाम से जानते हैं, और हम यहाँ पे गृह के नाम से जानते हैं। ठीक है, गृह हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका घराना। तो यहाँ पे जो है हम घर को इन नामों से भी जानते हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो है दो ही लिखना होता है, तो मैंने आपको यहाँ पर तीन बताया है, तो दो तो याद ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है शिव, तो शिव को और हम किन किन नामों से जानते हैं। तो जैसे इनको हम महादेव के नाम से जानते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे देव के देव महादेव। ठीक है, तो इनको हम महादेव के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे महादेव। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे महेश। ठीक है, महेश के नाम से जानते हैं, और किन नाम से जानते हैं, और भैया सुख के नाम से भी जानते हैं इनको हम। ठीक है, तो शिव को जो हम किन नामों से जानते हैं, महादेव महेश सुख। ठीक है, तो तीन तीन हम बता रहे हैं, दो तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखिए। अगला है हाथ, तो हाथ को हम किन नाम से जानते हैं, तो हाथ को हम हस्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका हस्त हो जाएगा, और किन नाम से जानते हैं, और सहयोग हो जाएगा। ठीक है, तो हाथ को हम सहयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आपको अर्थ लिखना होगा, एक शब्द के दो अर्थ, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसको आपको एक ही शब्द में बताना होगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जो बांटा ना जा सके, तो यहाँ पे इसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, जिसे हम बांट नहीं सकते हैं कभी भी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अविभाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे, अविभाज्य कहेंगे। बहुत आसान है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, अविभाज्य कहेंगे। भैया जो कभी बांटा ही नहीं जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम अविभाज्य ही तो कहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझते हुए चलिए। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, जो हो नहीं सकता, तो जो हो नहीं सकता उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में, तो जो कभी हो ही नहीं सकता उसको हम क्या कहेंगे, असंभव कहेंगे। क्या कहेंगे, असंभव कहेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा असंभव। ठीक है,
तो ये आपका असंभव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे जो कभी नहीं हो सकता उसको हम असंभव कहेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला है ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उसको क्या कहते हैं? उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका वाक्य संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको कुछ वाक्य दिए रहेंगे, उसमें कुछ त्रुटि रहेगी, उसको आपको सुधारना है और अपने नंबर ले जाना है। बहुत आसान है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है सूर्य पूरब से निकलता था। तो सूर्य जो है पूरब से निकलता था, क्या अब नहीं निकलता है? अभी भी निकलता है। सूर्य जो है पूरब से निकलता था, निकलता है और निकलता भी रहेगा। तो यहाँ पर जो है पास्ट में दिया गया है, तो इसको हम पास्ट में नहीं लिखेंगे, इसे हम प्रेजेंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूर्य जो है पूरब में निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे सूर्य जो है पूरब में निकलता है। तो इस तरीके से आप लोग इसे प्रेजेंट में करेंगे, बहुत आसान है। ये छोटी छोटी त्रुटियां जो है आपको सही करनी है और अपने नंबर ले जाने हैं। अगला देखिए, अगला है वह मुझे अपना शत्रुता समझता है। अब इसमें आपको क्या त्रुटि नजर आ रही है, आप खुद ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शत्रुता कहा जा रहा है, शत्रुता नहीं, यहाँ पे शत्रु हो जाएगा कि वह मुझे अपना शत्रु समझता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद ही पढ़िए, देखिए वह मुझे अपना शत्रुता समझता है, तो कुछ खराब नहीं लग रहा है, मतलब कुछ अजीब नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे त्रुटियों को आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वह मुझे अपना शत्रु समझता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे कि वह मुझे अपना शत्रु समझता है, तो शत्रुता नहीं होगा, यहाँ पर शत्रु होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। मोहन ने चिट्ठी लिखा, मोहन ने चिट्ठी लिखा, तो यहाँ पर लिखा जो है इसको हम लिखी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चिट्ठी है ना, तो ये हो जाएगा आपका मोहन ने चिट्ठी लिखी, ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो इसी तरीके से आपको सुधार करने होते हैं, यही छोटी छोटी गलतियां देखने को मिलेंगी जिसे आपको सुधार करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको वाक्य संशोधन के 3 क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी टॉपिक्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको बिल्कुल भी हल्की में नहीं लेंगे। आप सभी टॉपिक्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप हिंदी में 95+ अचीव करना चाहते हैं, तो अगर आपका टारगेट है हिंदी में 95+ अचीव करना, तो आपको हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना होगा। अब ये कहां मिलेंगे, तो आपके इसी चैनल पर आपके हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड के लिए, उन सभी क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सभी क्वेश्चन को एक साथ देख सकते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, और भी आगे हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सबको तैयार करते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे से खत्म होता जा रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ध्यान देना है, आगे से पढ़ते रहना है और पीछे का जो है रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं और अपने अच्छे मार्क्स अचीव कर सकेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।